भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा ओपी के मुरली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां प्यार में पागल दो बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। विवाहिता आधार कार्ड बनवाने के बहाने घर से निकली और मौका देखकर प्रेमी संग हवा हो गई। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह हुआ, मेरा घर मुरली हुआ और मेरी पत्नी का नाम सुषमा देवी हुआ। मेरा शादी का 8 साल हो गया। मेरा 2 लड़का था और जब हमको सुबह सुबह भेज दिए वो काम पे खाना उना खिला के वो दो बच्चे को स्कूल भेज दिए दोनों बच्चे को। और वो बोली कि घर में बगल वाली को मैं आधार कार्ड बनाने जा रही हूँ, बच्चा को स्कूल से ही उठा के लेके चला गई। उसके पास जितना कागज उगज था सारा कागज उगज लेके चल गया और ये लड़का के फेर में था। हम एक बार उसको मारे पीटे भी थे, समझाए थे, लेकिन वो कुछ नहीं सुने। रंगरा ओपी क्षेत्र के मुरली निवासी ब्रजेश कुमार सिंह ने थाने में आवेदन देते हुए लिखा है कि सुषमा देवी से उसने प्रेम विवाह 8 वर्ष पहले की थी, जिससे उनको 2 बच्चे भी हैं। पत्नी सुषमा देवी सोशल मीडिया के माध्यम से रील बनाती थी। सोशल मीडिया पर ही पटना के एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है और वो 5 सितंबर को अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि 5 सितंबर को सुबह दोनों बच्चों को खाना खिलाकर स्कूल भेज दिया गया, हमें भी काम पर भेजा गया। पत्नी सुषमा देवी ने पड़ोसी को यह कहकर बाहर निकली कि आधार बनवाने जा रही हूं और वह स्कूल से ही दोनों बच्चों को लेकर वहां से फरार हो गई। वह अपने साथ 7,000 नगद रुपए जेवर व सर्टिफिकेट लेकर भी गई है। उसके बाद हम जब शाम को काम करके आए तो उसको ढूंढने गए, नवगछिया भागलपुर तक गए, ढूंढ के आए, कोई पता नहीं चला। उसके बाद हम जाके दूसरा दिन दिए आवेदन थाना में दिए तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ था। थाना में रिपोर्ट जैसे के तैसे ही धरा था। वो बोला देखेंगे, बुलाएंगे, फोन करेंगे। घटना कब की है? घटना आज से 3 दिन हो गया, आज चौथा दिन है। आपको अपने पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था? हमको थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन वो इतना रो रो के बोल रही थी हमको कि हम ऐसा कर्म नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, वो बोल रही थी। उसके बाद हम विश्वास करते थे उस पर, मेरा कोई तो था नहीं, हम उस पर ही विश्वास करके सारा काम करते थे। पैसा 7,000 हम किस्ती के लिए दिए थे, 7,000 वो किस्ती के लिए देते थे तो वो भी पैसा लेके चले गए। उसके बाद वो अपना जेवर तेवर पहन के चली गई और वो अपना डॉक्यूमेंट पूरा लेके चला गया। आज से लमसम 2 साल, कम से कम 1.5-2 साल हो गया। 2 साल से हमको पता नहीं चलने दे रहा था वो। जब वो पटना का है, एक नहीं दो लड़का था। एक से जब हम बात पकड़े थे तो उसको मारे पीटे थे, उसको भी गाली गलम दिए थे लड़का को, तो वो फोन नहीं करता था। ये दूसरा लड़का बात करवाता था, इसका नाम है ओके ई राजा है। और उसके बाद एक जो लड़का के साथ में हमको लगता है डाउट कि भागा है, उसका नाम प्रभास है, वो पटना का रहने वाला है। दोनों उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी पटना के प्रभास कुमार के साथ लगातार बात करती थी, कई बार उसे बातचीत करते हुए पकड़ा भी गया था और पत्नी के साथ मारपीट भी हुई थी। इसके बाद पत्नी सुषमा देवी ने प्रभास कुमार से बातचीत न करने कसम खाई थी, लेकिन फिर वो युवक से बातचीत करती रही और 5 सितंबर को मौका देखकर अपने प्रेमी संग वह फरार हो गई। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नवगछिया मुख्यालय DSP सुनील कुमार पांडे ने बताया कि पीड़ित ब्रजेश कुमार की पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। पीड़ित के पत्नी का मोबाइल लोकेशन पता किया जा रहा है। मामले का अनुसंधान पुलिस की ओर से प्रारंभ है। इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, ब्रजेश कुमार सिंह के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, उसकी प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। वर्तमान में केस लेकर उसका लोकेशन पता किया जा रहा है। मामला के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, उसकी छानबीन की जा रही है। अभी जांच करने के लिए टीम गई हुई है। अनुसंधान का विषय मामला जो भी होगा सामने आ जाएगा।